तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और हर तरफ उत्सव जैसा माहौल है। मसूरी में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और मंदिरों में दीप जलाए गए। खास मौके पर महिलाएं भजन कीर्तन करती हुई नजर आई, साथ ही मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज की तारीख में मन प्रफुल्लित का उठा है, मन खुशियों से लहरा रहा है, एक एक व्यक्ति नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं इसका, और प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और हनुमान का नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इसी के मध्य हमने एक विशाल शोभा यात्रा साधा धर्म के थ्रू हम जितने भी हनुमान जी इनका रूप देखे, स्वरूप देख के लोग खुश हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा देश राममय हो गया। इस मौके पर उधम सिंह नगर में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान किए गए, साथ ही राम भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। तो कई जगहों पर राम लीला का मंचन भी हुआ, तो कई जगह पर राम रैली निकाली। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के सभी अधिवक्ताओं को पैर में श्री राम जी की जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 500 साल बाद आज श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का भला होगा और उनका आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और सभी अधिवक्ताओं को हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सभी को एक दूसरे को बधाइयां दी गई। तो पूरे देश में राम उत्सव की धूम है और धर्मनगरी में रामनगरी का भव्य कार्यक्रम भक्तों ने एलईडी स्क्रीन पर लाइव देखा और इस खास मौके पर बच्चे, महिला और बुजुर्ग प्रभु के रंग में रंगे नजर आए। पूरा परिसर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और अपने आराध्य को देखकर सभी ने प्रणाम किया। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, अयोध्या नहीं जा पाए, हरिद्वार आए और मैंने देखा दो दिन से हम लोग यही हैं और आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज मोदी जी ने वो कर दिया जो इतने सालों से नहीं हुआ, तो जय श्री राम। मैंने आपको देखा कि आपने प्रणाम भी किया और छूकर जमीन को भी छुआ, तो क्या भाव थे आपके? बहुत, मतलब वो भाव हम बता भी नहीं सकते क्या भाव थे। बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। आप कहाँ से आए हैं और आपने देखा यहाँ पे गंगा स्नान भी किया, एक पवित्र जगह पे आप सीधा प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम यहाँ पे भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही तीर्थ स्थल है ये भी, बहुत अच्छा। तो जय श्री राम। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की फीलिंग थी, क्योंकि गंगा ये पवित्र स्थान है, अयोध्या में जो फीलिंग आ रही है शायद वैसी फीलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी, मतलब ऐसे दिन मेरी एनिवर्सरी पड़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस जय श्री राम। क्या अयोध्या जाने का प्लान किया था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ये कि मेरे बेटे की भी आज की छुट्टी थी, तो फिर हमने प्लान किया कि चलो हरिद्वार चलते हैं, वहाँ पर जो फील यहाँ पर है वो कहीं नहीं है, अयोध्या जाएंगे थोड़े टाइम बाद। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है, क्योंकि काफी लंबे समय से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था और जिस तरह से हर की पौड़ी पर जो गंगा स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं और उनको अगर सीधा प्रसारण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मिल जाए तो कह सकते हैं कि श्रेष्ठ सोने पे सुहागा था। हरिद्वार से न्यूज स्टेट के लिए महावीर नेगी। उत्तराखंड में राममय हुआ है माहौल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला है। जगह जगह पर दीपोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सीएम धामी ने गंगा किनारे घाट पर पूजा अर्चना की, हरिद्वार में रोशनी से नहाए नजर आए मंदिर, तो रुद्रप्रयाग हिम शिखर के आसन पर विराजमान हुए राम।